नमस्कार दोस्तों, मैं डीएल न्यूज के साथ आपका साहिल स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि अभी अभी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर आई बहुत बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वैसे तो मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं और वो जेल की हवा भी खा रहे हैं। इसी के बीच पाकिस्तान के भ्रष्टाचार में रोधी एजेंसी के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खिलाफ भ्रष्टाचार के 2 साल मामलों को दायरे को लेकर मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ जवाबदेही, दरअसल भ्रष्टाचार के 2 और मामले सामने आए हैं। इसी के साथ लेकर राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की तरह एनबी की तरह महानिवेदक सहजान शरीफ के अध्यक्षता शुक्रवार को उनकी बैठक में बुलाई गई थी। बोर्ड में धन शोधन के तरह डार्लिंग के तरह ऐसे ज्ञात स्रोतों की तरह संपत्ति अर्जित करने के लिए मामलों में 69 वर्षीय नवाज अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ, बेटी मरियज नवाज के साथ 13 अन्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के अतिरिक्त मामले चर्चा की। इसी के साथ उन्होंने 54 कनाल भूमि के नवाज शरीफ, जियो मीडिया के सह संस्थापक के तरह कलयुग रहमान तथा 2 अन्य खिलाफ के अन्य मामला दायर किया गया। इसी के साथ एनबेली लाहौर ने जवाबदेही की अदालत में दायरा करने लगे दोनों के मामले सामने अंतिम मंजूरी दे दी अध्यक्ष न्यायाधीश के तरह। इसी के साथ एक बार फिर से अधिकारियों ने बताया है कि एनबीआर के तरह अध्यक्ष की मंजूरी बाद शरीफ परिवार के सदस्यों के तरफ खिलाफ दोनों मामले आए हैं। इसी के साथ जवाबदेही की अदालत में दिए गए जवाबों के तरह शरीफ परिवार के तरह 7 अरब पाकिस्तान के रुपए में हेराफेरी का आरोप लगा है। उसी के साथ अधिकारियों ने बताया है कि इस मामले को नवाज शहबाब ने मरियन मुख्य संदिग्ध घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ एनएबी के संदिग्धों के खिलाफ अभियोजन पक्ष में 100 गवाहों को पेश किया जाए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।